हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ रिव्यू ऑफ एल्प्स गुडनेस प्लस स्विस लव बर्गंडी नेचुरल हेना पाउडर। सो गाइस, ये बेसिकली एक हेना पाउडर ही है, बट जब इसको आप लगा लेते हो तो आपके बालों में जो है बर्गंडी कलर भी आ जाता है। तो इसको यूज़ करके आप हेना के जो अच्छे गुण होते हैं उसके भी फायदे उठा सकते हो और साथ ही कलर करने का भी मज़ा ले सकते हो। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है, और उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग। तो आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, और यहाँ पे अगर यूसेज की बात करें तो लिखा हुआ है कि आपको 20 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट ले लेना है पाउडर का, और 100 ml वाटर में इसको मिला के पेस्ट बना लेना है। अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा अपने हिसाब से कुछ भी प्रोडक्ट्स मिला सकते हैं, सॉरी इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं, जैसे कि कोई एसिडिक यू नो इंग्रेडिएंट्स लिक्विड्स वगैरह हो गई, लेमन जूस जैसा कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि आपको और भी ज़्यादा कलर मिले। और इसके बाद आपको मिक्स कर लेने के बाद में इसको अपने बालों में लगा लेना है अच्छे से बालों को पार्टीशन करते हुए, और 3 घंटे के बाद इसको आपको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद में पहले नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, और उसके बाद में जो है आपको एक माइल्ड शैम्पू की मदद से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। तो गाइस, मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया था, कलर से ज़्यादा मुझे चाहिए था हेयर सॉफ्टनिंग, एक अच्छा सा हेयर पैक मुझे लगाना था। हेना से बेहतर क्या हो सकता है ना, जो है आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कुछ मेरी पसंद की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिला के मैं एक अच्छा सा हेयर पैक बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्योंकि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं वो काफ़ी लोगों को सूट नहीं करते हैं, इसीलिए पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा इसको यूज़ करने से पहले। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी दी गई है, और एमआरपी की अगर बात करें तो 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है ये, और ये 80 रुपीज़ का आता है। पर क्योंकि ये एप्स गुडनेस का प्रोडक्ट है जो कि purplle.com पे ही अवेलेबल है, तो purplle.com पे थ्रू आउट द ईयर काफ़ी सारे सेल चलती रहती है, तो उन सेल के दौरान में आपको ये प्रोडक्ट अप टू 50% ऑफ तक भी मिल सकता है। तो आप इसको आराम से वहाँ से ख़रीद सकते हैं, एंड 80 रुपीज़ भी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब पैकेजिंग के फ्रंट साइड में अगर हम देख लें तो यहाँ पे इसके कुछ क्लेम्स हैं जो कहते हैं कि इम्पार्ट्स रिच कलर टू योर हेयर, हाइड्रेटिंग कंडीशनिंग एंड रिपेयरिंग, हैज़ नेचुरल एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज दैट वर्क टू कूल एंड सूथ योर स्कैल्प, 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। तो ये थी इसकी आउटर पैकेजिंग। अब इनर पैकेजिंग को भी देख लेते हैं, और आइए जल्दी से हम जो है इस हेयर पैक को बना लेते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करके। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल मैंने लिया है वाव का, और ये 99% एलोवेरा जेल है, तो ये काफ़ी अच्छा है, और इसको मैंने लिया है एक्स्ट्रा हेयर सॉफ्टनिंग के लिए। तो ये है इस हेना पाउडर की इनर पैकेजिंग। साथ में मैंने एक लेमन को कट कर लिया है 2 हाफ्स में, एक स्पून ले लिया है मिक्स करने के लिए, एक पतीला या कंटेनर जो भी कहें आप वो ले लिया है मैंने। साथ में मैंने थोड़ा सा लिया है यू नो चाय की पत्ती का जो पानी होता है उबाला हुआ वो, या ब्लैक टी जो भी कह लीजिए। तो अब मैंने सारा पाउडर जो है वो इस कंटेनर में ले लिया है, और इसके बाद में हम इसमें मिलाएंगे एक एक करके इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं डालूंगी लेमन, दोनों ही लेमन हाफ्स को मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया है, और सारा जो लेमन का जूस है उसको इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें मिला लेंगे एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, 2 स्पून्स या 3 स्पून्स डाल सकते हैं, जैसा भी आपको क्वांटिटी, आप जितना भी ले रहे हैं हेना का उस हिसाब से। और इसमें मैंने चाय पत्ती का पानी भी डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा कलर चाहिए, अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए अपने बालों में, तो आप हेना में हमेशा कॉफ़ी का पानी यानी कि ब्लैक कॉफ़ी आप मिला सकते हैं बिना चीनी वाला, तो उससे क्या है कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। हमारा मिक्सचर जो है कुछ इस तरह का लग रहा है। और अब इसमें हम मिलाएंगे एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है कपूर के ये 2 पिल्स। ये हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि अगर स्कैल्प पे कोई भी इचिनस है या अगर कोई डैंड्रफ वाली इश्यू है तो वो
जो है इससे ठीक हो जाएगी। और इसको हमेशा लास्ट में ही मिलाना है, जस्ट यू नो स्कैल्प पे लगाने से पहले ही आपको इसको हेना में मिलाना है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑप्शनल है, जैसा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लिखा है, आप चाहे तो सिर्फ वाटर मिला के भी इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसको अपने हेयर पे लगा लिया है। आई एम श्योर कि आप सब जानते ही होंगे इसको कैसे लगाना है, इसीलिए मैंने वो डेमो नहीं दिखाया है और आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई वो। और यहाँ देख सकते हैं आप कि मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बाउंसी हो गए हैं, बहुत ही यू नो जो सॉफ्टनेस मुझे चाहिए थी अपने बालों में वो मुझे मिल गई है इस पैक को लगाने के बाद में। और कलर भी अच्छा ही आया है, और यहाँ क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ तो इसीलिए इतना कलर पता नहीं चल रहा है। जब आप बाहर जाते हो ना तो सूरज की रोशनी में कलर काफ़ी अच्छा पता चलता है। यहाँ मेरे बालों की जो है स्मूथनेस और सॉफ्टनेस जो है ना वो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। आई होप कि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इसकी रिव्यू हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि और बहुत ही सरप्राइज है बड़ा वाला इस आने वाले मंथ के लिए, नए साल के लिए। तो उसके लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।